अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रिव्यू देने वाले हैं वो है ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन का ये पॉलर केबिन का, के पॉलर केबिन कैसा है ग्रीन लाइन का, तो आज हम उस पर बैठेंगे। कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं सबके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। ये ग्रीन लाइन हमारी पहुँच चुकी है और हमारा पॉलर डब्बा यहीं पर ही आएगा। 14 नंबर ये रहा हमारा पॉलर डब्बा, आगे जा रहा है। कल आ जाओ कमरा, ये ऊपर सामान रखने की जगह, और ये हैं सीट्स इसकी, काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है और काफ़ी ज़्यादा पाँव पे गैप है, अच्छी सीट्स हैं। अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन, अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:30 हो रहा है और 3:40 का यहाँ का टाइम है। देखते हैं कि सही टाइम पे ये निकलती है। कभी सही वैसे नहीं है और थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा घूमना आता है, कुछ अनकम्फर्टेबल होगा। पीछे से जो बैग है वो भी इतना मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा ही है, नॉर्मल है। और इसके वॉशरूम्स हैं कमोड वाला, इसकी बिजनेस क्लास है। आप ये सीट को घुमा भी सकते हैं, इस तरफ भी मोड़ सकते हैं, आप शीशे की तरफ भी मोड़ सकते हैं, पूरा 360 घूम जाती है सीटें। अगर पीछे आपकी फैमिली बैठी तो उनके साथ आप बैठ भी सकते हैं। ट्रेन ऑन द टाइम, अपने टाइम के हिसाब से चल पड़ी है, बिल्कुल 3:40 का टाइम था और बिल्कुल ऑन द टाइम चल पड़ी है। और इसमें आप आराम से इसे पाँव रखा और आराम से आपने बिल्कुल कंफर्टेबल हो के आपने बैठ गए। और इसके अलावा मैं देखता हूँ ये अगर ये इसको और मुझे करनी पड़े फोल्ड तो कैसे करें। जब खाना खाने आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये खाना आप इसमें आराम से खा सकते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए ये सॉकेट है। अभी हमें ये वेलकम जूस मिला है, स्टार्ट होती है ट्रेन में ये जूस मिला है वेलकम, इसको पी के देखते हैं कैसा है। ये पाइनएप्पल जूस है, अच्छा है। और ये डस्टबिन साथ ही दिया हुआ है, इसमें आप डस्टबिन में जो भी आपको कचरा होगा वो आप ये डस्टबिन में फेंकेंगे, डस्टबिन में डाल दो, गुड बॉय। थोड़ी देर के लिए चकलाला स्टेशन पर रुकती है, मुश्किल से 2-3 मिनट ही रुकती है, तो यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बैठते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं अभी कहाँ रुकेगी। चकलाला स्टेशन से 4 बजे की ट्रेन इस वक्त चल गई है, 4:01 पे। अब अगला स्टेशन इसका देखेंगे कि कहाँ पे, और अगर आपको सीट इसकी डिक्लाइन करनी है, पीछे करनी है, तो ये यहाँ से आप बटन दबाएंगे, सीट आपकी आगे हो जाएगी यहाँ से, और उसके बाद आप पीछे से आप और लेट सकते हैं, इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैं रात में आपको करके दिखाऊंगा। पटियाला स्टेशन के निकलने के बाद अभी इन्होंने हमें समोसा सर्व किया है, ये वासिफ का एक और एक समोसा मेरा, और इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे समोसा कैसा है। अभी इन्होंने हमें अखबार दिया है, ये अखबार हम पढ़ेंगे, जंग का, अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो डॉन का। फाइनली अभी चाय मिली है हमें और अभी ऑनलाइन हमने लिया तो टिकट चेक कराएंगे इनको। थोड़ी देर में लाहौर आने वाला है, ट्रेन बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, आपने मज़ा आ रहा है आपको ट्रेन में, कितना आपको इंजॉय कर रही है ट्रेन, आपको बस में ज़्यादा मज़ा आता है या ट्रेन में? आमिना बट को ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बस में क्यों नहीं मज़ा आया? आई हाई गए तो ये हमारा ये गिर गया है आमिना हसी के ऊपर से। तो अब सीन ये है कि अभी हमें गिरा खाना कि भूख तो ही लग रही है आपको, है लग रही, बर्गर तो तुमने खा लिया था, खाया था, फिर क्यों भूख लग रही है? तुमने फ्रेंच फ्राइज भी खा ली थी, अच्छा। तो अभी देखें लाहौर आते हैं, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, स्टे होगा आधे घंटा, अगर नमाज का वक्त होगा ईशा का तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे, ईशा की दो नमाजें हमारी ट्रेन के अंदर हुई है, एक नमाज हम ईशा की बाहर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे, फिर इंशाल्लाह खाना मिलता है, फिर हम बताएंगे खाने में क्या है। तो अभी लाहौर हम उतर चुके हैं और इसके बाद आधे घंटे का स्टे है यहाँ पे, और आधे घंटे के स्टे के बाद ट्रेन चल पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन जो चल रही थी यहाँ पे, डब्बा दिखाता हूँ आपको, आखिरी डब्बा है हमारा, हमारा आखिरी से पहला वाला डब्बा है, यहाँ से ट्रेन ख़त्म है 2 डब्बे बाद, अब यहाँ पे नए डब्बे और लगेंगे जो ग्रीन लाइन के डब्बे हैं।
जाएगी, ये लाहौर। अच्छा, ये यहाँ की एसी स्टैंडर्ड है, होती इकनॉमी की तरह ही है खुली, लेकिन इसके अंदर एसी होता है तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके आप सफ़र कर सकते हैं गर्मियों के अंदर इसमें खास तौर पे। ग्रीन लाइन की इकनॉमी क्लास है, इकनॉमी क्लास 5,000 रुपये का टिकट इसका, 5,500 रुपये अभी नया डब्बे, उसके बाद ट्रेन चल पड़ेगी हमारी इंशाल्लाह। एक घंटा हो गया लाहौर में, अभी रुकी हुई है ये, बल्कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, और डब्बे अभी इसमें लगे हैं नए, और डब्बे में दिखा रहा हूँ बहुत पुराने हालत वाले डब्बे लगे हैं। तब बता हमारा इसके बाद से जो लगे डब्बे, आगे के डब्बे लगे हैं, इसमें से कुछ बहुत पुराने डब्बे लगे हुए हैं और कुछ नए डब्बे लगे हुए हैं। जैसे ये बिजनेस क्लास है, लेकिन ये किसी और ट्रेन का डब्बा है, इन्होंने ये लगा दिया, और ये शायद जो है कराकरम का डब्बा है। और अभी आगे चलते हैं, ये ग्रीन लाइन के डब्बे हैं, और काफ़ी सारे डब्बे इस वक्त लगे हैं इसमें, और काफ़ी लंबा, अभी 15 मिनट लगने के बाद ट्रेन उसके बाद चल पड़ेगी, अभी लाहौर वाले बैठ जाएंगे इसके अंदर, तकरीबन 15 मिनट का वेटिंग है अभी भी, और लाहौर में काफ़ी देर स्टे करा इसने। काफ़ी देर लाहौर में वेट करने के बाद ट्रेन आखिर चल पड़ी है, काफ़ी लेट हो चुकी है ट्रेन, और अब खाना मिलेगा, मैं खाना दिखाता हूँ आपको कि खाने में क्या। तो हम खा रहे हैं, ये हमने सीढ़ी तक डिक्लाइन कर दिया है यहाँ पे, और इसके बाद अभी ये राइस है, दाल, सालन, मुर्गी का रोटी, और ये है गुलाब जामुन, मज़े मज़े की अभी खा के देते। वासिफ़ कैसा लग रहा है खाना आपको? टेस्टी है। वासिफ़ ने पास कर दिया भाई। लाहौर के बाद नेक्स्ट स्टेशन जो आता है वो खानेवाल का आता है। खानेवाल में यहाँ पे पानी भरता है, उसके अंदर जितनी भी आपकी टैंक्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे पानी फिल होता है, और इसके तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे स्टॉप होता है, वैसे 20 मिनट लिखा होता है। तो अभी तक ये है कि 1 घंटा ये लेट चल रही है। अभी हमें यहाँ पे जो मिला है वो शेविंग किट, कंघा, और ये दांतों की किट, डेंटल किट, ये चीज़ें मिली हैं, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह रोटी आएगा, रोटी के बाद में नाश्ता मिलेगा। अभी हम लोग इस वक्त टाइम जो हो रहा है 7:18 हो रहा है, और इस वक्त रोटी पे हैं हम लोग। ये इस टाइम जो होना चाहिए था हमें तकरीबन हमें 6 बजे यहाँ पे रोटी में होना चाहिए था, हम लोग 1.25 घंटा इस वक्त लेट हैं, और मुझे लगता नहीं है टाइम कवर हो पाएगा, हम लेट ही आएँ कराची। हमारा टाइम जो तकरीबन 4 बजे हम कराची पहुँचेंगे, पूरा 24 घंटे का सफ़र होगा। नाश्ते में हमें जो दिया है वो पराठा है एंड अंडा दिया है, आमी ने को भी अंडा पराठा दिया है, मुझे भी अंडा पराठा, और वाशिफ को भी अंडा पराठा, सबको अंडा पराठा दिया है। इसके साथ चाय भी आ गई है। अब जाके हैदराबाद आया है, और इस वक्त टाइम जो हो रहा है 1:15 कम है, 1:45 हो रहा है, और अब पहुँचे हैं हम लोग हैदराबाद। तो कराची अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। हमना कैसा लगा आपको हैदराबाद तक का सफ़र? गंदा लग रहा है, क्यों, मज़ा आया नहीं आया? वासिफ आपको कैसा लगा ग्रीन लाइन कर रहे सफ़र हैदराबाद तक? और आमना को क्यों गंदा लगा है? आमना वजह बताएंगी आप, है क्यों मज़ा नहीं आ रहा? चलो तो मैं इकनॉमी का एक चक्कर लगा के आता हूँ, आ जाओ। हाँ, वो दिखा के लाएं। आओ आ जाओ, जल्दी आओ, जाओ दूसरी वाली ट्रेन में जाओ। आज दूसरी ट्रेन में तो बैठा के लाऊं। यहाँ का हैदराबाद का स्टेशन, काफ़ी लोग यहाँ उतर चुके हैं हैदराबाद में, और ट्रेन कुछ खाली हो चुकी है, अब थोड़ी देर में ये चल पड़ेगी ट्रेन। फाइनली इस वक्त कैंट स्टेशन पहुँचने वाले हैं, और कैंट स्टेशन आने वाला है, 1 घंटा में लेट हो गए हैं बिल्कुल, 3:45 की 4:15 इस टाइम पहुँचा है, सफ़र ओवरऑल अच्छा रहा, और पौधे का सफ़र भी अच्छा है, और कोशिश करेंगे वो बर्फ पानी ले जाते हैं, क्योंकि सोने का इशू होता है। तो अब तक के लिए इसलिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।